वही राजनीतिक तौर पर क्योंकि मामला गर्मा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से इसी मुद्दे पर बात की एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया ने। हमारे साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह है, उनसे बात करते हैं। सर, घुसपैठियों को लेकर आसाम के बाद अब रोहिंग्या के मसले पर भी आज संसद में चर्चा हो रही है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि जो रोहिंग्या का मूवमेंट है देश भर के भीतर, उसको रोका जाना बेहद जरूरी है। नहीं, लेकिन आपके ध्यान में होगा कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने रोहिंग्या के विषय को लेकर के पहले भी ये स्पष्ट किया था कि इसका संज्ञान गृह मंत्रालय ने लिया हुआ है। और 7 और 8 जून को जब गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर के प्रवास पर आए थे, तो वहाँ पत्रकार वार्ता में भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा था कि इनकी सूचियाँ बना करके इनको वापस भेजने का प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि जो रोहिंग्याज हैं इनको वापस लौटना ही लौटना है, इनका कोई औचित्य नहीं है यहाँ पर रहने का, और साथ ही साथ सुरक्षा दृष्टि से भी इनका यहाँ रहना महफूज नहीं रहेगा। आसाम के बाद अब बंगाल में भी मांग उठने लगी है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं कि यहाँ पर भी NRC लाना चाहिए, यहाँ पर भी घुसपैठी है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, जबकि ममता इसकी कड़ी खिलाफत कर रही है। नहीं, देखिए सच पूछिए तो NRC का विचार इस सरकार से आने से पहले से था, फिर ये सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में ये सारी प्रक्रिया हुई, प्रक्रिया पहले से आरंभ थी। इस सरकार ने तो उसको फैसिलिटेट किया, उसका सहयोग करते हुए उसे आगे बढ़ाने का काम किया, बल्कि बड़े खुले मन से सहयोग हुआ। इसी कारण तो ये टाइमलाइन रखी गई कि यदि कोई नागरिक ये समझता है कि उसका क्लेम दर्ज नहीं हुआ तो उसे अनुकूल मौका दे दिया जाएगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हर व्यक्ति को ही नागरिकता का अधिकार दे दिया जाए, क्योंकि सिटीजनशिप इज अ प्रिविलेज। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।